हेलो गाइस, क्यूक लर्निंग में स्पेशली BHU के लिए आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मियोसिस में 5 स्टेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेजिटीन, डिप्लोटीन और डाइगोनोसिस। स्पेशली मियोसिस की बात कर रहा हूँ। तो गाइस, क्या होता है कि जो लेप्टोटीन स्टेज होगा तो इसमें क्लस्टर ऑफ जो फ्लावर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। यदि पूछेगा जो बुके होगा, बुके आपको किस में अपियर होगा, क्रोमोसोम एक बुके शेप में दिखाई देते हैं जो लेप्टोटीन स्टेज के अंतर्गत आएंगे। जाइगोटिन की हम बात करेंगे गाइस, तो जाइगोटिन में क्या होता है, बाइवेलेंट होगा। अभी जो बाइवेलेंट होगा यही कुछ समय के बाद क्या होता है, सिनेप्सिस बन जाता है। तो यदि पूछेगा सिनेप्सिस जो होता है, सिनेप्सिस कौन सिस्टम में होता है, जाइगोटिन में होगा। पेजिटिन की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग आवर। यदि पूछेगा बताओ क्रॉसिंग आवर, या तो पूछेगा काइज्मा किस में होगा, क्रॉसिंग आवर, काइज्मा या रिपल्सन एंड कपल्सन देगा, रिपल्सन एंड कपल्सन। तो रिपल्सन एंड कपल्सन भी किसमें होता है, पेचिटिन में होगा। डिप्लोटिन की हम बात करेंगे तो डिप्लोटिन में क्या होता है कि जो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने लगती है, लेकिन फाइनली नहीं होगा यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज में। और डाइकाइनेस्टिस स्टेज में क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये यहां पे क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। किस होने लगते हैं, डिसअपियर। बाकी डिप्लोटिन में यहां पे ध्यान रखना कि ये प्रोसेस जो होता है इसमें टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस अभी पूरी नहीं होती, यहां पे पहले यहां पे क्या रहता है गाइस, बाकी रह जाएगा यहां पे। मींस यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पे हो सकता है डिसिनेप्सिस होगा। यदि मुझे बताओ डिसिनेप्सिस किसमें होगा, तो डिसिनेप्सिस जो होता है आपका डिप्लोटिन में होता है। तो गाइस ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। थैंक यू सो मच।